हाय गाइस, योशी गुरु का एपिसोड में हम सभी का स्वागत है और मैं हूं गुरु आपके लिए नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं गाइस। तो देखो, आपको बताइए कि भाई हम लोगों को एक चीज़ की वेट कर रहे थे, आप लोग मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि भाई गुरु इवेंट बाकी की कब आएगी, 6th एनिवर्सरी। तो मैंने बताया था कि भाई 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं सुपर सेल ओके। तो देख लीजिए, 1 मंथ एंड में हम लोगों को मिल दे दिए 1 जैम बूस्ट की ओके। ये रही, और यहाँ पर देख लीजिए 1 जैम बूस्ट में बेसिकली सब चीज़ें ओके कॉमन है, तो ये 7 दिन की है ओके। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी 1 जैम बूस्ट आता है तब क्लाउडिंग बढ़ जाती है ओके। वो तो आपको पता ही होगा, इसीलिए वो लोग कम देते हैं 1 जैम बूस्ट ओके। जिसको पता नहीं तो बता देता हूँ, 1 जैम बूस्ट के कारण क्लाउडिंग बढ़ जाती है, बिकॉज सबके सब दिन में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, सब प्लेयर एक्टिव हो जाते हैं, फार्मिंग हद से ज़्यादा करते हैं एंड सबको उसके लिए उसकी वजह से ना क्लाउडिंग सबको मिलती है। तो अभी तो भाई और सोने पे सुहागा हो गया, क्या पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन गेम, उसके बाद न्यू सीजन, उसके बाद प्लस 1 जैम आर्मी बूस्ट, टोटल 3। तो इनको प्लस इन इज इक्वल टू नेक्स्ट लेवल क्लाउडिंग, मतलब कि भाई इतनी क्लाउडिंग है अभी। मैंने स्ट्रीम की थी, आपको बताया होगा परसों ओके। तो वहाँ पर 1 घंटे की स्ट्रीम की थी, मुझे कितने बेज मिले थे पता ही होगा आपको, कितने बेस, 1 बेस मिला था ओके। और मुझे ड्रॉप करना था बेसिकली, और वहाँ पर भी ड्रॉप हो गया भाई। हम लोग अटैक करने गए थे बट ड्रॉप हो गया उस बेस पे, ट्रॉफी तो भी अच्छा है बट ड्रॉप करनी थी, तो भी 1 घंटे में सिर्फ मेरे को 1 बेस ही मिला था ओके। अब मुझे ड्रॉप करना था तो भी यही आ रहा था, और मैं 4080 something 70 something के आसपास था। तो सोच लीजिए, अगर ड्रॉप करने में भी 1 घंटे में बेस आ जाता है तो 5000 पे कितनी क्लाउडिंग होगी। एंड अभी भी मैं जहाँ पर हूँ 4500 के ऊपर हूँ और यहाँ पर रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत तो क्लाउडिंग है एंड यहाँ पर तो होगी बट यार बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी 1 जैम बूस्ट आता है ना, है ना, तब। और दिक्कत यहाँ पर मैं तो भाई मैंने सोच ही लिया था मैं टाइटन टू पे फार्मिंग करूँगा चेक करने के लिए कि भाई कैसा रहता है फिर हमेशा के लिए, फिर वरना मैं वहाँ रहूँगा अगर अच्छी फार्मिंग होती है तो। एक सीज़न ये सीज़न चेक करने के लिए मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, तो मैं इसीलिए रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे को शौक है, चेक कर रहा हूँ। और ये 1 जैम बूस्ट इवेंट आ गई तो एल लग गए, और उसमें से मैं तो लेजेंड में था, तो जैसे ही आई मैंने तुरंत ही ड्रॉप की स्ट्रीम शुरू कर दी, तो भी बेस तो आया ही नहीं 1 घंटे तक, इतनी क्लाउडिंग। तो भाई आप बताना कि भाई आप लोगों को क्लाउडिंग आ रही है, अगर जो भी हाई लिख पे होगा उसको तो आएगी। एंड मेन चीज तो यार ये क्लेन गेम्स ना, उसी मौके पर उन्होंने क्लेन गेम्स रखी 7 दिन के लिए, मतलब कि दोनों चीज एक साथ। ऑलरेडी एक तो क्लेन गेम्स से प्रॉब्लम होती है, ऊपर से ये सोने पे सुहागा, और सीजन न्यू सीजन तो अलग ही। तो ये सब चीज़ें यार मेरा तो दिमाग घूम गया है मेरी। मैंने फिर सील हटा के ड्रॉप किया बट उसमें मेरी लूट इतनी चली गई, देखो ना स्टोरेज खाली हो गई, 60 लाख के आसपास थे, उसके ऊपर भी था, सब खाली हो गया, सब मतलब सब। तो अभी फार्मिंग करूँगा, अभी देखता हूँ क्या होता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, होप यू गाइस आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपको क्लाउडिंग अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, एंड चैनल पर पहली मतलब कि आ रही है या नहीं आ रही क्लाउडिंग आपको। चैनल पर पहली बार आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस। Take a look.